गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गणपति बाबा मोरिया। दादा गणपति बाबा मोरिया करो, गणपति बाबा मोरिया। आज है गणपति जी का सेवंथ डे और मैंने कोशिश करके आज फिर साड़ी पहनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। इनफैक्ट अगर आप सभी लेडीज से पूछेंगे तो उनकी सभी राय होगी कि सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम जो है वो साड़ी भगवान ने बनाई है, जिसको पहन के हर लेडी सुंदर लगती है। अब देखिए, मैंने अपनी अभी अपनी तारीफ कर दी, तो जो है अब साड़ी की बात हुई और मैंने जैसे बताया कि मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है, मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ और एक एनिमल लवर भी हूँ और ब्ला 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 सब कुछ हूँ और ज़िंदगी को भरपूर इन्जॉय करने वाली इंसान हूँ। सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान हैं, बाकी सब चीज़ें बेकार हैं उसके आगे अगर हमारे अंदर अच्छी इंसानियत नहीं। तो मैंने ये टॉपिक आज मैं बता रही थी आपको, भगवान का मिरेकल्स की बात हम एपिसोड चला रहे थे। मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा सा भगवान की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गणपति का फेज चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं इस फेज में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं भगवान के बारे में ज़्यादा बातें कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में मिरेकल्स आए वैसे ही आप लोगों की लाइफ में मिरेकल्स आए। हर आदमी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह का मिरेकल्स चाहता है, पर मुझे पता है आज एक बड़ा अजीब सी बात मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। मैं हम लोग की आदत होती है हम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, तो मैं फेसबुक पे अपनी मेरे मेमोरीज आती हैं, सभी की आती हैं। लास्ट ईयर के मेरे पास मेमोरीज आई जिसमें एक मस्त होके मेरी एक फ़ोटो थी जो मैं मस्त होके इन्जॉय कर रही थी। तो मैंने ये सोचा सडनली कि हमें मेमोरीज इसलिए नहीं होती कि सिर्फ हम लोगों से शेयर करें और हम कहें कि पास्ट ईयर मेमोरीज। मेमोरीज का मतलब क्या है? अगर मैं उस डेट से एक साल के डिफरेंस में देखूं तो कितनी सारी बातें मेरी लाइफ में हुई जो काफ़ी हैं मुझे ब्लेस फील कराने में, बहुत ज़्यादा दिया है भगवान ने। पर इसीलिए कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अगर हम अपनी मेमोरीज़ को इस तरह से देखना शुरू करें कि मैं लोगों से कहूँ कि भाई आप आज के उस डेट को अगर आज की डेट पर रखो तो आप उन्हें लास्ट वन ईयर को अगर देखो तो कितने सारे मिरेकल्स भगवान ने हम सबकी लाइफ में किए हैं जिनको काउंटलेस मिरेकल्स कह सकते हैं। पर सबसे पहले हमारा अहम इस बात को स्वीकारे तो कि ये भगवान के मिरेकल्स हैं। हम बहुत ज़्यादा मैं और हम में लगे रहते हैं, तो जैसे सब कुछ बना है, नदी भगवान ने बनाया है, हमारी जो हार्ट है वो भगवान ने दिया है। अगर यही भगवान हार्ट को स्टॉप कर दे तो क्या होता है? हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो अगर हम ही बना लेते दिल को तो हम जब हार्ट बंद हो जाता है क्यों नहीं उसको गाड़ी की तरह से चाबी घुमा के रीस्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर पाते ना। तो हमारे अहम को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं गॉड का प्रेजेंस हमारी लाइफ में है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रेजेंस को हम पॉजिटिव वे में रखना चाहेंगे कि नेगेटिव वे में रखना चाहेंगे। इसी बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई जो मेरी फिल्म लाइन की है। हम लोग जब सेट पे काम करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत एक्टर्स आते हैं काम करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ उनकी होती हैं, पॉश लाइफ आती है, उनकी गाड़ी से उतरते एक स्पॉट दौड़ता है उनके पीछे, सब कुछ रहता है। पर मैंने एक अजीब सी चीज़ फील की कि मैंने बहुत सुपर से सुपर रिच लोगों को देखा लाइफ में कि उनको रियली में आई फील सो बैड कि सेट पे अगर एक दिन उनको किसी को खाना खिलाने की भी नौबत आ जाए कि भैया आज का लंच मेरी तरफ से मैं कर देती हूँ। बहुत कम लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो इस तरह से थॉट करते हैं और मैं रियली बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। जैसे कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोग निकल के आए जो एक आम इंसान थे जिन्होंने इन कामों को किया, तो वो मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी से भी ऊपर है। तो मैंने ये देखा कि हमारे यूनिट में भी कुछ लोग सुपर रिच थे जो लगता था जिनको कि सेट पे आते ही फुल अटेंशन उनको मिल जाए, जबकि बहुत ऐसे लोग भी थे जो बड़े एक्टर थे पर वो बिल्कुल नॉर्मल थे। और उनका जो लोग बिगनर्स भी कहे जा सकते हैं वो लोग आते ही, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर उनको लगता था कि फुल अटेंशन
उनको ही हो जाए। हालांकि उन्होंने मुझे कोई ट्रबल नहीं दिया, वो अपने काम करके गए। बट मैं यहाँ पे बात करी फीलिंग्स की कि क्या हम जब इस तरह की फीलिंग्स में रहते हैं कि चलो आज एक छोटी सी चीज़ है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है कि भाई चलो आज एक छोटी सी चीज़ है, हम सब पे सबको आज खाना खिला देते हैं। जबकि आप देख रहे हो कि एक लेडी कैसे ट्रबल करके किस तरह से जो है चीज़ों को खड़ा कर रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है, और आप भी उस प्रोजेक्ट का पार्ट हो। जब हम किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं तो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर ये होती है कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। अगर ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या है, हम उस प्रोजेक्ट का पार्ट फिर कैसे हुए? हमने तो पैसे लिए और हम अपने आप कहोगे भाई हमने तो अपना रोल किया और हम किनारे हो गए। बट अगर आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होना चाहे देना चाहते हो या एक सक्सेसफुल तरीके से देखते हो, तो आप उस प्रोजेक्ट पे अगर आए हो तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको आप एक टीम मानते हो, अपने को प्रोजेक्ट का एक टीम मानते हो, तो आपको एक ही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट एंड वॉट एवर वे यू कैन कंट्रीब्यूट, वन शुड कंट्रीब्यूट। इट्स नॉट ओनली फाइनेंशली, इट्स मेंटल सपोर्ट ऑल्सो, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू सपोर्ट समवन मेंटली। तो मैंने देखा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे थे, उन्होंने एक दिन सेट पे एक दिन ये नहीं सोचा हो कि चलो आज का खाना मेरी तरफ से मैं सबको खिला देती हूँ, और जो है वो हम जैसे लोग जो एक मेरे ख्याल से हम बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से आए हैं बट हम कोई करोड़पति फैमिली से नहीं हैं। आप मेंटली कितने रिच हो, मेंटली कितने अमीर हो, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको भगवान ने कितना भी दिया हो, आप अंदर से तो बिल्कुल खोखले, आप अंदर से बिल्कुल गरीब हो अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा यही सवाल है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, जब भी किसी चीज़ों पे जाएं, एक कोशिश रहनी चाहिए। मेरे लिए, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मेरे लिए पूरी फिल्म लाइन की जर्नी एक लर्निंग है जिसमें मुझे हर एरिया में इम्प्रूव करना है। नॉट ओनली दैट कि आई वॉन्ट टू बिकम अ फिल्म मेकर, ओनली ए गुड फिल्म मेकर, वो तो आपका एक प्रोफेशनल आर्ट हो गया, वो एक आपका प्रोफेशनल पार्ट हो गया। मुझे अपने को सही करना है पहले एक अच्छे इंसान बन के। भगवान ने वही मैंने बोला, आप अगर मेमोरीज को चेक करें, हम मेमोरीज हमारे सोशल मीडिया के आती रहती है, भगवान ने कितना कुछ दिया है, कितने मिरेकल्स करे हैं। और तो मैंने ये छोटी सी आपसे चर्चा की, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई बुरी भावना नहीं है। मैंने सिर्फ एक बात ये की कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं बिना बताए करिए, उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी और जो ब्लेसिंग्स आएगी वो करोड़ों रुपयों से बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसे लोग मिले लाइफ में, क्योंकि मेरी खुद की थिंकिंग ऐसी है तो मेरी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होते रहते हैं, मुझे ऐसे लोग टकरते रहते हैं जो मेरी लाइक माइंडेड थिंकिंग के हैं। अगर आपकी खुद की थिंकिंग ऐसी है तो आपके लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा भी पर्पस यही है कि हाउ कैन आई हेल्प समवन। वो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पॉजिटिव एनर्जी तो हमने बात कर ली है, थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अपना इनके साथ इंसिडेंट सुनाती हूँ, जिस पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई थी लाइफ में। मैं रात में सो रही थी और सडनली मुझे लगा मेरे ऊपर कोई हावी हो रहा है। वो एनर्जी इतनी खतरनाक थी और कितनी ज़्यादा मुझ पर ज़बरदस्ती पुशिंग कर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसको आप घोष कह लो, डेमन कह लो, या एक थॉट कह लो, पता नहीं मुझे क्या था, पूरा मुझे हावी हो रहा था। और मैंने बोला, जैसे मैं गॉड बिलीवर हूँ, मैं भगवान का ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी, गायत्री मंत्र पढ़ने लग गई, और धीरे धीरे करके मैंने बिलीव किया कि भगवान मेरे साथ है और मैं इसको अपने पर हावी नहीं होने दूंगी। और पुशिंग करके वो चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके पुश जो कर रही थी वो अलग हो गई और मैं सेफ हो गई। बाद में मुझे पता चला कि जिस कमरे में सोई थी मैं, वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी। तो आप किसी की हो सकता है भैया उनकी स्पिरिट हो, मैं इन चीज़ों पर ज़रूर विश्वास करती हूँ। जैसे पॉजिटिव चीज़ें होती वैसे ही नेगेटिव चीज़ें होती, पर भगवान का मेरा अकेले था जिसने मुझे बचा लिया।
और मैं मानती हूँ, जैसे मैंने अपनी लारा के बारे में बताई थी आपको, याद होगा कि मैंने उस समय अपने पास डॉग की भी चर्चा की थी, हंटर की, और हंटर की जब डेथ हुई थी तो मैंने उसको बहुत करीब से देखा था उसी रात में, या तो रो रो के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इमेज थी, मैंने बिल्कुल देखा मेरे बगल में एक वाइट एंजल जैसा, बिल्कुल हंटर घर में बैठा और बहुत तेज़ लाइट उसकी चारों तरफ से आ रही है, तो शायद वो ये प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर मेरे लिए क्रिएट कर रहा था, या तो मुझे बता रहा था कि आई एम देयर फॉर यू, या मेरे साथ सब ठीक है एंड आई एम हैप्पी व्हाट वेयर एवर आई एम। तो मैंने ज़िंदगी में ही सीखा, मैं चाहती हूँ, मेरी कोशिश है मैं इन्हीं रास्तों पर चलती रहूँ, कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करूँ मेरा एक ही सवाल सबसे पहले खुद से होगा, व्हाट आई कैन डू और व्हाट आई कैन ऑफर एंड व्हाट वी कैन डू ऑल टुगेदर। उसके बाद अगर आपकी नीयत ऐसी नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला, मुझे हमेशा मैंने सोचा कि मुझे अपनी थिंकिंग पहले चेंज करनी है, और अब मैं गलती से भी किसी की थिंकिंग या किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करती, वो सारी एनर्जीज बेकार हैं, वो एनर्जीज अब मैं अपने लिए ऊपर लगाती हूँ कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, मेरे पर्पसेस क्या हैं। ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मिरेकल्स की बातें, अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे, शायद कुछ नई कहानियों से, और शायद कुछ और बेटर कहानियों से, या शायद कुछ और मस्त कहानियों से, मुझे पता नहीं मैं आपको कितना बोर करती हूँ और कितनी सही लगती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स से वन ऑन वन बात करूं, और शायद कुछ आप मेरे बारे में जाने। अच्छे काम करिए, अच्छी चीज़ें लाइफ में करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम।